हेलो गाइस, मैंने आज पब्लिक से बातें की और सबसे पूछा कि आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसका कर रहे हैं। तो सभी ने मुझे एक ही जवाब दिया, वह है पठान। शाहरुख खान की पठान फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं और वो रिलीज होने वाली है 25 जनवरी के जी, इसी का इंतजार। हेलो गाइस, मैं जस्ट अभी अभी पठान फिल्म का गाना सुन के आया और सच कहूँ तो यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पूरे बाल खड़े हो गए मेरे शरीर के। इतना जबरदस्त गाना लग रहा है। गाने की अगर बोल की बात करें तो वाह 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 यार, सारे जितने भी ये गाना लिखा है कुमार ने, उसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इतना बेहतरीन गाना लिखा है यार उन्होंने। उसके जो बोल इतने स्वीट है, इतने सिंपल है कि वह आपको 90s की याद दिला देंगे। इतने बढ़िया गाने, और फिल्म की जो कोरियोग्राफी की है यार कमाल की। उनको तो मैं कहता हूँ ऑस्कर के लिए भेजना चाहिए, 3 महीने का उनका वीजा रखना चाहिए ऑस्कर के लिए। मेरी तरफ से उनको 3 महीने की छुट्टी देनी चाहिए ऑस्कर में। पिकनिक बनाया वो अपने फैमिली के साथ। और वाकई यार सबसे बेहतरीन मुझे लगा है गाने में वह शाहरुख का। उनका जो लुक है वाह यार, उन्होंने जो गॉगल्स पहना है यार, मैं उसकी दुकान की तलाश करना चाहता हूँ। मैं भी वैसा ही गॉगल्स खरीदना चाहता हूँ खुद के लिए। वाकई लाजवाब लग रहा है वो शाहरुख खान का लुक, उनके जो बाल हेयर स्टाइल, कहाँ पे उन्होंने हेयर स्टाइल किया यार, कमाल की लग रही है शाहरुख खान का लुक। और सबसे और मुझे लगा सबसे अच्छा लगा वो है दीपिका पादुकोण, उनका जो सेक्सी अवतार, उनका जो वाकई लाजवाब लग रहा है। ये फिल्म लोंडो की बारिश कर देगा, ये फिल्म थिएटर में आग लगा, मैं तो कहूंगा आग लगा देंगे, आग लगा देंगे थिएटर में। इतना बढ़िया वो सॉन्ग लग रहा है वाकई। पर आप लोगों का कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे तो ये सॉन्ग ने पूरा ही हिला दिया, स्पेशली फिल्म की सीनोग्राफी ने। वाकई उसके हर एक सीन, हर एक शॉट इतने बेहतरीन तरीके से लिए कि आपको माहौल या झूमने के लिए बस। और मुझे ये सॉन्ग ने और एक सॉन्ग की भी याद दिला दी है, वो है घुंगरू टूट गए। ऋतिक रोशन की सॉन्ग की भी हमें याद दिला दी है। कुछ भी हो यार सॉन्ग वाकई अच्छा है। अब देखते हैं ये फिल्म अगले साल आने वाली है, यानी जनवरी में आने वाली है, 25 जनवरी के दिन। देखते हैं ये फिल्म कौन सा धमाका करने वाली है। जो भी हो मैं अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताते जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।